भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ घरेलू सीरीज में केएल राहुल के इंजर्ड होने के बाद ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी में भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच हार चुकी है, जिसके बाद तीसरा मैच जीतकर सीरीज बचाई है। ऋषभ पंत के बल्ले से लगातार खराब प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बाद ऋषभ पंत को लेकर कई आलोचनाएं और ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 26 रन पर आउट हुए, जिसके बाद तीसरे T20 मैच में भी 8 गेंद पर मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत 3 T20 मैच भी 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सके, जिसके बाद उनकी आलोचना का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में इरफान पठान ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने खिलाड़ी के प्रदर्शन को लेकर बातचीत कही है। इरफान पठान ने कहा है कि वो ऋषभ पंत को एक क्रिकेटर के तौर पर काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन अब ऋषभ पंत को सुधार करने की ज़रूरत है। इरफान पठान ने कहा कि ऋषभ पंत को बल्लेबाज के तौर पर काफ़ी पसंद करता हूँ, लेकिन T20 क्रिकेट में उनके नंबर पर सुधार की ज़रूरत है। इरफान पठान ने स्पोर्ट्स वेबसाइट से बातचीत में कहा कि ऋषभ पंत अब काफ़ी फ्लॉप प्रदर्शन करने लगे हैं, उन्हें प्रदर्शन करना ही होगा। अभी तो टीम को कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 में भी जगह ना बना सके। भारतीय क्रिकेट टीम में पास ईशान किशन और दिनेश कार्तिक दो विकेट कीपर खिलाड़ी मौजूद हैं। संजू सैमसन भी इंतज़ार कर रहे हैं। केएल राहुल भी अच्छे विकेट कीपर हैं। मेरे हिसाब से केएल राहुल बेस्ट बल्लेबाज हैं, इसलिए प्रतियोगिता ज़्यादा है, इसलिए आप ऐसे बल्लेबाजी नहीं कर सकते। IPL 2022 में भी ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहा। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 14वें व 20 मैच में 340 रन बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।